जय छात्र, बिहार शिक्षक भर्ती में प्राथमिक में फॉर्म भरने से लेकर सभी जानकारी एक एक करके हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब प्राथमिक में भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या सामान्य अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं कक्षा एक से लेकर पांच तक के लिए। उसके लिए क्या क्या प्रमुख योग्यता है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, साथ ही सीटेट के अंक को लेकर क्या जो समस्याएं आ रही हैं और इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस परीक्षा में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, बीटीसी बीए डीएलएड आवेदन कर सकते हैं, बीएड के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, अभी तक फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आ चुकी है, आखिर कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी, अगर डेट बढ़ेगी तो क्या परीक्षा तिथि भी बढ़ेगी, इन सभी को एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहां जरूरत पड़े आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ए टू जेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, पीआरटी से लेकर मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो बिहार बीपीएससी में शुरू हो रही है। जैसा कि पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया था, जो पहले मैंने वीडियो बनाया था कि जो 170,000 का जो शेष पद है या तो मेरिट डाउन की जाएगी या नए पदों का सृजन करके आने वाली भर्ती में जोड़ा जाएगा, जो कि फेज टू में जोड़ा गया। शुरुआत में प्रारंभ में केवल टीजीटी पीजीटी माने 9 10 11 12 में पद जोड़े गए थे, जबकि मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप पीछे वीडियो देखा होगा तब आपको याद होगा मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि पीआरटी में भी पदों को जोड़ा जाएगा। पीआरटी में पद भी जोड़े गए और उसमें पहले विकलांगता को ही मौका देगा, लेकिन अब सामान्य अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब एक बात एकदम स्पष्ट हो गई कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 से लेकर 5 तक बीपीएससी फेज 2 जो होने वाला है, इसमें आप आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य अभ्यर्थी माने अदर स्टेट के अभ्यर्थी या बिहार के सामान्य अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भर्ती में बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आइए एकदम स्पष्ट रूप से सारी बातें एक करके जान लेते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं माने बीएड के अभ्यर्थी इस पीआरटी में आवेदन नहीं कर सकते। बीएड के अभ्यर्थी केवल केवल 6 से लेकर 8 तक वाले में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 6 से 8 तक में आवेदन करने के लिए उनके पास सीटेट जूनियर का पास होना जरूरी है। बीएड के अभ्यर्थी 9 10 में आवेदन करने के लिए उनके पास स्टेट पेपर फर्स्ट पास होना अनिवार्य है। जूनियर बीएड का अभ्यर्थी 11 12 के लिए स्टेट पेपर 2 पास होना जरूरी है, तभी आवेदन कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है, सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलने वाला 1 से लेकर 5 तक। देखिए अभी तक सीटेट अपेयरिंग आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन जिस हिसाब से बात चल रही है, जिस हिसाब से आयोग का रुख है, लगातार बदलाव करते जा रहे हैं, इस हिसाब से स्पष्ट लग रहा है कि अपेयरिंग को भी मौका मिल सकता है। सीटेट अपेयरिंग प्राइमरी के लिए, सीटेट जूनियर अपेयरिंग के लिए मौका मिल सकता है, क्योंकि बीपीएससी ने जितना फॉर्म सोचा था कि फॉर्म भरे जाएंगे उतने फॉर्म नहीं भरे गए, माने उतनी आवेदन नहीं, माने आवेदन फॉर्म की पद के साथ अगर संख्या की बात करें तो संख्या कम रह गई। जिस हिसाब से स्पष्ट है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अपेयरिंग को मौका मिल सकता है, ये पूरी अनुमान पर है। ठीक, उसमें हो सकता है भर्ती में थोड़ा सा 1 महीने का विलंब होगा, लेकिन उसकी वजह से मौका मिल पाएगा। परीक्षा तिथि में भी बदलाव का आसार लग रहा है, लेकिन हम और आप तय तिथि को, निश्चित तिथि को मानकर ही तैयारी करेंगे, परीक्षा उसी तिथि को होनी है। अब एक एक कर इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपके लिए ला रहे हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, इस चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मेरे द्वारा आप सभी के लिए निशुल्क क्लासेज उपलब्ध है, इसके एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, और अगर आप पीआरटी या बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित नोट्स की जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, और इस नंबर पर केवल नोट संबंधी जानकारी आपको मिल पाएगी, क्लास संबंधी जानकारी मिल पाएगी, बाकी जो जानकारी आपको चाहिए बिहार शिक्षक भर्ती जुड़ा हुआ इस वीडियो में कमेंट करेगा। कुछ लोग अपने प्रश्न पूछने के लिए इस पर कॉल करते हैं, आप उसको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत सारे कॉल हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस के लोग मुझे कॉल कर बताते हैं, और क्योंकि मैं गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूं तो मेरी क्लासेस आपके लिए निःशुल्क रहेंगी। एक एक करके मैं आपको सारे स्टेप बताने जा रहा हूं। पहला, फॉर्म कैसे भरे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया वही है, लेकिन अभी पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, आज अंतिम तिथि है। अब आप कहेंगे सर जब अंतिम तिथि है तो हम आवेदन कैसे कर पाएंगे, कुछ देर के बाद फॉर्म भरने की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, ये बीपीएससी की समस्या है। बीपीएससी फॉर्म अपडेट करेगा, और जैसे ही फॉर्म अपडेट हो सकता है वीडियो पब्लिश होते होते फॉर्म अपडेट हो जाए, या वीडियो जब देख रहे हैं तब हो जाए, क्योंकि जिस समय तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय तक फॉर्म अभी अपडेट नहीं हुआ, इसमें केवल 6 से 8, 9, 10, 11 वाले आवेदन कर सकते हैं, 11, 12, लेकिन आने वाले कुछ घंटों बाद उसमें पीआरटी के अभ्यर्थी के आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। एक सवाल आ रहा है कि जो फॉर्म भर चुके हैं, जो बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी 6 से लेकर 8 तक में आवेदन कर चुके हैं, क्या उन्हें दूसरा आवेदन करना पड़ेगा, क्या उनके अटेम्प्ट की गणना, अटेम्प्ट के बारे में जान लीजिएगा। जैसे ये फेज टू में जितना भी आवेदन करेंगे आप, वो एक अटेम्प्ट माना जाएगा, फेज फर्स्ट में जो आपने आवेदन किया वो एक अटेम्प्ट माना जाएगा, मतलब इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में चाहे जितनी बार आवेदन कर लें वो एक अटेम्प्ट में ही माना जाएगा। जो अंतिम फॉर्म होगा वही माना जाएगा, बीच में अगर कोई फॉर्म गलती होने के बाद दोबारा फॉर्म भरते हैं तो लास्ट वाला फॉर्म ही आपका
अंतिम वाला जो है वही मान्य होगा। अब उनके ऊपर समस्या आ रही है, सर मैंने 6 से 8 तक के लिए BTC हूँ, मैंने फॉर्म भर दिया है और मैं प्राइमरी का भी सीटेट पास हूँ, मैं प्राइमरी में भी आवेदन करना चाहता हूँ, क्या मुझे अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? इसके लिए BPSC अभी विज्ञप्ति लगेगी, आप रजिस्ट्रेशन नंबर के अपने जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसे आप लॉग इन कर पाएंगे और उसी में आप जूनियर के साथ प्राथमिक को भी ऐड कर पाएंगे, या अभी जो आवेदन करेंगे वो प्राथमिक के साथ अगर जूनियर भी आवेदन करना चाहते हैं तो जूनियर भी आवेदन कर पाएंगे एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से। अब फॉर्म कैसे भरे ये मैंने आपको बता दिया कि अभी जैसे पोर्टल अपडेट होगा आप सभी फॉर्म भर पाएंगे, इसलिए इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है, अब पूरी तरह से निश्चिंत रहे। ठीक, दूसरा सवाल है सर योग्यता क्या होगी? योग्यता देखिए BTC डीएलएड के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, प्राथमिक के लिए बीएड का अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, एकदम स्पष्ट जान लीजिएगा, इसमें कोई संशय नहीं बचा है। दूसरी बात यह है कि उसकी योग्यता के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसके लिए मायने रखता है? जी नहीं, चाहे आप BCA हो, BBA हो, BSc हो, BCOM हो या BBA हो, BSc एग्रीकल्चर हो, BTech हो, कोई भी हो, आप ग्रेजुएशन के साथ अगर 2 वर्षीय अपने प्रशिक्षण डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, माने जितने भी प्लेन ग्रेजुएशन BTC DLED है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसके साथ सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना जरूरी है, यहाँ पर सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना जरूरी है। पास होने का सेंस भी यहाँ पे आएगा कि सर सीटेट के कितने अंक होने चाहिए, तो देखिए जो विज्ञप्ति कहती है उसके हिसाब से जो फीमेल कैंडिडेट है, विज्ञप्ति की मैं बात बता रहा हूं, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 82, क्योंकि सामान्य महिला बिहार में जो विज्ञप्ति है उसमें 82+ दिया गया है, पुरुष के लिए 90+ कही जा रही है, क्योंकि विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट नहीं, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए 90+ है। ठीक, अब कह रहे सर कुछ बिहार का एक जिला है जहां पे ये कहा जा रहा है 82+ वालों महिलाओं की नौकरी उनको ज्वाइन लेटर नहीं दिया गया, तो एक जिले का मामला है, उनके साथ और भी समस्या थे जिनकी वजह से उनका नहीं हो पाया, लेकिन अंतोगत जो विज्ञप्ति कहती है वो ये कहती है 82+ में आवेदन कर सकते हैं, और बाकी लोग सामान्य लोग कह रहे हैं कि 90+ में आवेदन करना है, तो आप देखिए अब आपको जो सही लगे, अगर आपको लग रहा है कि आप आवेदन करना चाहिए 82 से 90 के बीच वालों को तो कर दीजिए, क्योंकि एक रिस्क लेना है, लाइफ रिस्क में है। अब कुछ लोग सर मेरा एक अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, क्या और अटेम्प्ट मिलेगा? देखिए BPSC चाहती है ज्यादा लोग फॉर्म भरे, ज्यादा लोग परीक्षा दे, तो अटेम्प्ट की संख्या जो 3 अटेम्प्ट के था उसे वो बढ़ा सकते हैं आगे चलकर, देखते हैं हर दिन अपडेट हो रहा है, वो भी बढ़ सकता है। फिलहाल अभी पास एक मौका है, इसके बाद एक और मौका मिलेगा, भगवान करेंगे इसी बार आपको नौकरी मिल जाएगी या अगली बार मिल जाएगी। अब ये आपको क्या लगता है, आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि अगली बार आपको नौकरी नहीं मिलेगी या इस अटेम्प्ट में आपको नौकरी नहीं मिलेगी? पहले खुद पर भरोसा करना सीखे, खुद का भरोसा नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज, लोगों के कोर्सेज लेने से बचे, कि कोर्स में क्या होता है जैसे एक सेशन एक टॉपिक वीडियो में 2-2 घंटे 3-3 घंटे में चल रहा है, अब हम मैराथन उन टॉपिक को पढ़िए जो आपको नहीं आ रहा है, वो मत पढ़िए जो आपको पहले से आ रहा है, उसके लिए मैं चाहूंगा जैसे एक टॉपिक पढ़ना है 2 घंटे वीडियो पढ़नी पड़ती, लेकिन नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ेंगे तो आधी किताब समाप्त हो जाती है 2 घंटे में, 25-30 पेज आप पढ़ लेते हैं, तो कोशिश करिएगा कि नोट्स पढ़ने का प्रयास करिएगा, वैसे आपकी मर्जी। वैसे मैं इसके पूरे सिलेबस पर भी वीडियो बनाऊंगा, इसका सिलेबस का पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि इसका जो ये है पूरा SCERT, यह NCERT और SCERT इन दोनों पैटर्न को मिलाकर है, इसलिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जो नोट्स है वो आपको दोनों पैटर्न पर आपको मिल जाएंगे, आगे मैं इस पर अभी चर्चा करूंगा, फिलहाल अभी आपको मैं आगे चलता हूं। तो सीटेट के अंक की बात याद रखिएगा, अगर पुरुष है 90+ और महिला है 82+ आवेदन कर सकती है, वैसे अगर 90+ सबके हैं तो सभी आवेदन करें, पद संख्या कम है PRT के लिए। लेकिन एक सवाल आ रहा है कि सर अगर मैं 6 से 8 के लिए और 1 से लेकर 5 तक के लिए, अगर इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे उल्टा हो गया, 1 से लेकर 5 तक के लिए और 6 से लेकर 8 तक के लिए, ये हो गया 6 से लेकर 8 तक के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के सवाल थे सभी के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया तो म्यूट हो गया था, मतलब वॉइस नहीं आई थी। 1 से लेकर 5 तक के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सीटेट आपको चाहिए इसके लिए सीटेट पेपर फर्स्ट चाहिए, लेकिन 6 से 8 के लिए आपको सीटेट पेपर 2 चाहिए। कुछ लोगों का कहना यह है कि सर मैं सीटेट पेपर 2 पास हूँ फर्स्ट नहीं, क्या मैं फर्स्ट में आवेदन कर सकता हूँ? नहीं। कुछ लोग कह रहे सर मैं सीटेट पेपर फर्स्ट पास हूँ क्या 2 में आवेदन कर सकता हूँ? जी नहीं। जो सीटेड फर्स्ट पास है वो 1 से 5 में आवेदन कर पाएंगे, जो सीटेड पेपर 2 पास है वही 6 से लेकर 8 में आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना डाली, अभी कुछ अपडेट हुआ है, कुछ संशोधन हुआ है, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा 6 से 8 के लिए, वहां आपको परेशान नहीं होना है। और इसके लिए ये जान लीजिएगा सीटेड आपको चाहिए, सीटेड नहीं है तो यहां पर आपको BTech ध्यान दीजिएगा, BTech अगर जो बिहार के हैं वो BTech अगर पास है तो यहाँ BTech पेपर फर्स्ट, यहाँ BTech पेपर सेकंड, तो एकदम स्पष्ट चीजें यहाँ पर हो गई, मैंने एकदम मैंने साफ चीजें एकदम बता दिया, अब आपको एकदम स्पष्ट जानकारी हो गई सीटेट के लिए आपको कितने अंक यहाँ पे लाने हैं। ठीक, तो
82 प्लस पे महिला जो है वो रिस्क ले सकती है, लाइफ हमेशा रिस्क से आपको लगता है भरना चाहिए ठीक है, वरना कोई बात नहीं, 90 प्लस वाले तो भर ही सकते हैं ठीक। केवल इसमें अदर स्टेट का अभ्यर्थी भर सकते हैं और मार्कशीट हाई स्कूल के आधार पर आपका भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आपके सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, निवास चाहिए आपके यहाँ की, और आपका पहचान पत्र चाहिए, वैलिड मेल आईडी चाहिए, फोटो सिग्नेचर, लाइव फोटो चाहिए ठीक। अदर स्टेट का अप्लाई, जी हाँ अदर स्टेट के भी अप्लाई, अदर स्टेट के भी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं 1 से लेकर 5 तक में ठीक, बिहार के अलावा राज्य के, क्योंकि सामान्य में इसमें आवेदन करते पद संख्या कम है फिर भी आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस क्या, हम इस पर अलग भी इसको एक अलग पेज पे चलकर मैं इसके सिलेबस की कंप्लीट वीडियो बना दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको सिलेबस से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी। मैं इस वीडियो को और आगे ले चलूंगा, यहाँ तक समझ लीजिए अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई संशय इस वीडियो में कमेंट करिएगा, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है बीपीएस से जुड़ा हुआ यहाँ पे कमेंट करिए। देखिए मैं एक व्यक्तिगत सलाह आपको दूंगा कि आप कोशिशें करिए, देखिए मैं अब आगे चलो अगले पेज पर, यहाँ से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं ठीक, यहाँ से कोई जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई संशय है कोई प्रश्न है तो। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अब बीपीएससी का जो मेन, यहाँ पे देखिए बीपीएससी 2.0 हम बात करते हैं पीआरटी की, यहाँ पर क्या है पीआरटी, पीआरटी माने 1 से लेकर 5 तक। अगर हम सिलेबस की यहाँ पर बात करें कि सर इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या होगा, कोशिश करिएगा सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा या नोट्स से पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी या नोट्स से पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। इसका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, इसका जो सिलेबस है वो पूरा 3 हिस्सों में डिवाइड है, उन तीनों हिस्सों को पढ़ेंगे समझेंगे क्या क्या चीजें इसमें है, क्या आपके लिए कॉमन है। पहले देखिएगा भाषा, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा से इसके पहले जो हुआ था पीआरटी में उसमें 100 प्रश्न होते थे 75 और 30, इस बार यहां पर 30 अंक होंगे और यह केवल पास करना है, ध्यान रहे यह परीक्षा केवल आपको पास करनी है, यहां पर केवल 30 में से आपको 9 अंक लाने हैं, कितने 9, और जो 30 नंबर होगा ये 22 प्लस 8 होगा ठीक। दूसरे सेशन की मैं बात करूं, जो दूसरा है वो जीएस है जीके है, जीएस और जीके, जो जीएस जीके का सेशन है, यहां से जीएस जीके है, विविध है, बिहार स्पेशल है, तो ये जो सेशन है यहां से 40 सवाल आपके आएंगे कॉमन है। अगर मैं बात करूं जो जीएस जीके का सेशन है, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये जो जीएस है जीके है विविध है, मतलब यहां पर मैं लिख दूं विविध है बिहार है विविध है बिहार है बिहार जीके है करेंट है, तो ये जो सेशन है आपके लिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा सेशन है ये 40 अंकों का होगा, यहां पर कितने होंगे ये 40 अंक है, 40 अंक के होंगे और प्रश्न की संख्या कितनी होगी 40 प्रश्न होंगे, नकारात्मक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। अब इसमें कौन कौन से लेवल है ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक, दूसरा 6 से लेकर 8 तक, ये 40 प्रश्न सभी के लिए कॉमन है। लेकिन जो सिलेबस की मैं अगर बात करूं, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो इन दोनों का जो पैटर्न है, इन दोनों का जो पैटर्न है 1 से लेकर 5 6 से लेकर 8 तक, क्योंकि ये जो पूरा पैटर्न है ये एनसीईआरटी प्लस, ये पूरा एनसीईआरटी है और एससीईआरटी से जुड़ा हुआ है, तो आप इन दोनों के लिए ये कॉमन पेपर होगा, मतलब इन दोनों में आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो एक जैसा रहेगा, अलग आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप बढ़ते हैं 9-10 के लिए, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है 11-12 के लिए, इनका जो है इनका जो पूरा पैटर्न है, ध्यान देने वाली बात आपके लिए, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी है, ये जो दो है लास्ट का ये सभी के लिए कॉमन है। लेवल क्या है, 1 से लेकर 5 तक का लेवल लगभग बराबर है, इसका लेवल दोनों का बराबर है, लेवल में थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, इस बार कठिनाई स्तर पिछले बार से थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार जो कठिनाई स्तर थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन इस बार जो कठिनाई स्तर है थोड़ा सा कम रखा गया है ताकि ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपकी अच्छी तैयारी इसमें नौकरी आपको दिला सकती है। समय कम है क्योंकि लगभग 1 महीने का समय, 1 महीने क्या 20 दिन का समय दिख रहा है, लेकिन अभी समय बढ़ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। अब जो तीसरा सेशन है उसमें ईवीएस के नाम से जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में बात करूं तो यहां पर ईवीएस
यहां पे कितने सवाल होंगे? 80 प्रश्न होंगे। अब ईबीएस वाले सेशन में आखिर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है आइए इसमें हम जान लेते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, मतलब हिस्ट्री हो गई आपकी, इसमें ज्योग्राफी पढ़नी है, इसमें सिविक्स आपको पढ़नी है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है या इकोनॉमी कह सकते हैं, यहां पर आपको सामान्य साइंस पढ़नी है, कई बार क्या होता है लिखने में थोड़ी त्रुटि हो जाती है, लगता क्या आ रहा ही नहीं रहा क्या। यहां पर देखिए ईवीएस हो गया, इसके अलावा और भी चीजें हैं। ये जो पूरा पैटर्न है ये आपको एनसीईआरटी यहां पे मैं लिख रहा हूं, कलर में चेंज करो ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये जो पूरा पैटर्न यहां पे देखिए एनसीईआरटी, ये आपको पढ़नी है 6 से लेकर 8 तक वाली। जो एससीईआरटी है वो आपको पढ़नी है 1 से लेकर 5 तक की, ठीक, ये दोनों। अब आपके पास किताब पढ़ने का समय नहीं होगी, सर इतना समय में किताब में पढ़ पाऊंगा नहीं, कंप्लीट कर पाऊंगा, उसके लिए इन सब की नोट्स आपको ई-लर्निंग पे दुर्गेश पर उपलब्ध है। आप इनकी नोट्स ई-लर्निंग पे दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं, जो कम समय में बेहतर तैयारी करने का मौका दे सकती है। वैसे आपकी मर्जी क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, आप जानते हैं। कोचिंग क्लास ज्वाइन करने में आपको एक समस्या होती है कि उनके लेक्चर ज्यादा होते हैं, टाइम ज्यादा टूटेगा, और जरूरी नहीं जो आप पढ़े परीक्षा में सवाल है। एनसीईआरटी की नोट्स अगर आप पढ़ेंगे ज्यादा, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे और ज्यादा चीजें पढ़ पाएंगे, और आपके दिमाग पर रहेंगे, रिविजन करना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो रिविजन करने के लिए चीजें आपके लिए बेस्ट पढ़ सकती है, आपको वैसे जो सही लगे वो आप कर सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत जो इच्छा पर है। ये जो पूरा पैटर्न है, ये पूरा जो पेपर होगा, ये पूरा अगर बीपीएससी पीआईटी की बात करें तो यहाँ पे जो होगा 150 प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, सॉरी 120 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक के होंगे, और आपने देखा 68 पिछली बार मेरिट गई, इस बार ये मान के चलेगा कि 76 से लेकर 80 मेरिट बनेगी। माने आप अगर 80-90 अंक लेकर आते हैं तो याद करिए कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपकी नौकरी पक्की वाली है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसे अपना बेस्ट और बेहतर दे पाएंगे। उसके साथ ही साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए ई-लर्निंग विद, क्योंकि मेरी निशुल्क क्लासेज आपके लिए, मैराथन क्लासेज आपके लिए डिजाइन है और डेली आने वाले समय आपके लिए शुरू हो जाएंगी। नोट्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, और आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, क्योंकि जो भी निःशुल्क क्लासेज होती है, जो उसकी पीडीएफ है, वो आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएंगी। आने वाले 2 दिनों में हम आपके लिए लगभग 5000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट की सीरीज देंगे, निःशुल्क सीरीज होगी, जो आपको इस टेलीग्राम पर मिलेगी। लगभग 5000 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट के प्रश्न होंगे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, साइंस, ईवीएस, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे जुड़ा हुआ होगा। 5000 से ज्यादा प्रश्न बैंक की सीरीज होगी, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये प्रश्नों की जो सीरीज होगी पूरी तरह से निशुल्क आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जो भी सदस्य वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन किए रहेंगे तभी आपको वहां पर मिल पाएगा, ठीक है, ये निःशुल्क होगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा मैं अन्य भी बातों पर जबकि चर्चा करूंगा, पूरा एकदम विधिवत इस वीडियो में मैं बात करूंगा। साथ ही ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां पर 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी की नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध है, और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहां पर सीटेट की भी नोट्स उपलब्ध है, सीटेट की, अगर आप अभी तक सीटेट नहीं उत्तीर्ण है तो आप सीटेट के भी नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश से एनसीईआरटी पैटर्न पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आपको व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर आप भी जुड़ सकते हैं और वहां से भी जानकारी आपको मिल सकती है, जो भी क्लासेज होती हैं, जो भी सीरीज होती है, उसके लिए आप यहां पर उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिए एक ऑफिस का ई-लर्निंग विद दुर्गेश का नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप जैसे लोग, कुछ लोग कॉल करते हैं कि सर मुझे जानकारी चाहिए चाहिए, तो यहाँ पर इन नंबरों पर आपको उस तरह की जानकारियां तो नहीं मिल पाएंगी, यहाँ पर नोट संबंधी जानकारी मिल पाएगी। अगर आपको वीडियो में रिलेटेड या इस सेशन में रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि आपको जानकारी मिल सके। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा, जो भी आप चाहते हैं कि आपके मित्र तक ये वीडियो पहुंचे, उन तक इस वीडियो को साझा करिएगा, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मदद मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ ये औरों तक पहुंचे, तो प्लीज इस
वीडियो को सभी को शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर और अपने सभी मित्रों तक साझा करिएगा, क्योंकि लोगों को जानकारी का अभाव, परेशान है क्या पढ़े कहां से पढ़े। आप अगर बात कहेंगे तो एक और वीडियो में बना दूंगा जहां पर डिटेल में सिलेबस बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, क्योंकि आपने देखा बीपीएससी का लेवल क्या होता। इस बार लेवल थोड़ा सा कम होगा लेकिन पद कम है, मेरिट और बढ़ेगी। तो जब मेरिट और बढ़ेगी तो आपको ऑथेंटिक चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और ऑथेंटिक के लिए कौन सा बेहतर तैयारी करने के लिए, नोट्स रिवीजन करिए और साथ ही प्रश्न बैंक सीरीज करिए और प्रीवियस ईयर पेपर को खंगालिए और कोशिश करिए कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस पर फोकस करिए। कुछ बहुत सारे यूट्यूबर आपके लिए मैराथन चला रहे हैं, तो मैराथन में हमेशा कठिन सवाल पढ़ने का प्रयास करिए, वो सवाल पढ़िए जो आपको आ रहा है, क्योंकि जो आ रहा है तो आप कर ही लेंगे, उसमें समय मत बर्बाद करिए। हमेशा नई चीजें पढ़ने का प्रयास करिए जो कठिन है। हम आपके लिए मैराथन सेशन लेकर आ रहे हैं जो एक विषय की 12-12 घंटे की होगी। इस मैराथन क्लास का हिस्सा मैंने आपको पहले बताया कि जो ये अदर है, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके लिए कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे 1 से लेकर 5 तक के लिए 40 नंबर जो है, 6 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर 10 तक और 11 और 12, इन सभी का जो जीएस की सीरीज है या जीके की सीरीज है 40 अंक वाली, ये सीरीज आपके लिए होगी। मैराथन में इतिहास होगी, भूगोल होगी, संविधान होगी, तीनों इतिहास होगी, आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगी, पर्यावरण की सीरीज होगी और साथ ही साथ आपके लिए विविध ईवीएस सभी सीरीज होगी। तो ये सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं लेवल हाई होगा मेरा, बीपीएससी के लेवल की क्लास होगी। एक एक क्लास 10-10, 12-12 घंटे होगी, मैंने 12 घंटे का मतलब एक दिन की बात करें, एक दिन अगर आप चाहेंगे तो पूरा एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। वहां पे एमसीक्यू के साथ थियरी उसकी महत्वपूर्ण है, थियरी लिखते चले, क्योंकि जो प्रश्न कहां से पूछे जा सकते हैं वो आप दायरा क्लियर कर पाएंगे, उस दायरे तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए स्पेशल क्लासेज आपके लिए इलेनी भी दुर्गेश पे मैराथन मेरी निःशुल्क क्लासेज होंगी, बड़ी बड़ी क्लासेज होंगी इनकी, एक दिन में, दो दिन में एक क्लासेज में दूंगा ताकि आप तैयारी कर सके। 15 दिन में कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा, 15 दिन में कंप्लीट सिलेबस। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले किस वीडियो की सीरीज लेकर आए, आप वीडियो में कमेंट करिएगा, हम उसी सब्जेक्ट के सबसे पहले रहेंगे। कल से वो मैराथन क्लास शुरू हुई, वैसे आज से शुरू होनी थी, ये लोग कल से मैराथन शुरू होगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं शूट करके वीडियो को मर्ज करके आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा। दूसरी बात, आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, टेलीग्राम पर यहाँ पे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे, उस वीडियो की लिंक वहां पर जाएगी। और इसके अलावा एक और चैनल है जिस पर आपकी क्लासेस चलती हैं, स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और उस पर भी वीडियोज आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये मेरी क्लासेस आप किसी को भी शेयर करें, इस वीडियो किसी भी चैनल पर अपलोड करें, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी मेहनत, मेरा ज्ञान अन्य लोगों तक भी पहुंचे और आप भी सफल हो और सफलता की कगार में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि बीपीएससी पीआरटी संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर इस सेशन को यहां पर पढ़ेंगे तो साथ ही साथ आपका ये भी अंक तैयार होगा। तो इन दोनों को मर्ज करके हम जो सीरीज लेके आ रहे हैं, वो चाहे 6 से लेकर 8 तक एसएसटी वाले हो, चाहे पीआरटी के हो, चाहे आप 9-10 के हो या 6 से लेकर 8 तक अन्य सब्जेक्ट के हो, आप जीएस की सीरीज में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इन सब की जो मैराथन आ रही है उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि मैराथन 12-12 घंटे 15-15 घंटे की होगी और वो पूरा फोकस जो होगा आपके सिलेबस पर होगा। उसके अलावा हम करंट की मैराथन लेकर आएंगे और बिहार स्पेशल की मैराथन आपके लिए लेकर आएंगे, और हमारा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है। उम्मीद करते हैं वीडियो को अपने यहाँ तक देख लिया होगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को सभी मित्रों को शेयर और साझा करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। नोट्स आपके लिए अहम हो सकते हैं, बार बार, क्योंकि मैंने भी नोट्स, मैं जब भी मौका मिलता मेरे भी दुर्गेश के नोट्स पढ़ता हूँ, और नोट की मैंने बता दी इनके इनके लिए जो कॉमन नोट्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर होगा, ये केवल एनसीईआरटी पर होगा, 1 से लेकर 5 तक एससीईआरटी पैटर्न पर है, लेकिन एनसीईआरटी जो होगा वो लेवल, देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि जो एनसीईआरटी का लेवल होता है वो 6 से 8 तक होता है, एससीईआरटी 1 से लेकर 5 तक होगी, लेकिन जो नोट्स मिलेगा वो आपको पूरा 1 से लेकर 8 तक के लिए होगा। नोट्स क्या होगा, 1 से लेकर 8 तक होगा, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, इसलिए आप चाहे तो ले सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी, मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। कहीं से पढ़िए, किसी से पढ़िए, मेहनत करिए, सिलेक्शन की तरफ फोकस करिए, यकीन मानिए आपका दिन बेहतर होगा और सिलेक्शन के करीब होंगे। और मुझे लगता है यहां से सारे सवालों के जवाब आपके मिल चुके होंगे। कोई सवाल, कोई प्रश्न होगा वीडियो में कॉमेंट करिएगा, टीम का कोई व्यक्ति होगा उसका जवाब दे देगा। इन नंबरों पर कॉल करके और नोट संबंधित आप जानकारी लीजिएगा। आप क्वेरी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो जरूरी नहीं कि वो अभी चीजों को बता पाएगी, क्योंकि देखिए मैं एनालिसिस करता हूं, मैं आपको बता पाऊंगा, और मैं क्योंकि ऑफिस का नंबर, ये भी चैनल भी ऑफिस का है, तो बस मैं एज ए गेस्ट करके पढ़ाता हूं, तो वो उनसे कॉल कर दे तो वो आपको केवल केवल इनकी जानकारी दे पाएंगे, ठीक। अन्य कोई सवाल रहता है तो आप इस चैनल पर कमेंट करिएगा वीडियो में, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के हिसाब से आपको जवाब मिल जाएगा। कोई व्यक्तिगत सवाल होगा, ई लर्निंग बुजुर्ग इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्याटी
बीटीसी बीएड के देखिए बीटीसी का अभ्यर्थी जो है वो एक से लेकर पांच, छह से लेकर आठ तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक से लेकर पांच तक उन्हें प्राइमरी का सीटेट चाहिए, छह से लेकर आठ तक के लिए जूनियर का सीटेट चाहिए। जूनियर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो बाढ़ बची हुई थी जल्द ही आपको वरीयता मिल सकता है क्योंकि फॉर्म कम भरे जा रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट वाले को छूट मिल सकती है और साथ ही साथ अपेयरिंग को भी मौका मिल सकता है। ठीक, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि सीटेट जूनियर में कुछ संशोधन हुए हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा और भी लोगों को मौका मिला है परीक्षा देने का। इसमें ग्रेजुएशन कोई भी हो, चाहे बीटीसी हो, सॉरी बीटेक हो या बीटेक हो या बीसीए हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, प्लेन बीए हो, एग्रीकल्चर हो या कोई छूट रहा हो कोई कोर्स, तो वो सभी अगर ग्रेजुएशन के समकक्ष है और साथ में उन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया तो आवेदन कर सकते हैं। चार वर्षीय बीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं, केवल केवल इसमें बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बीएड के जो अभ्यर्थी है वो प्राथमिक के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, बीएड के जो अभ्यर्थी है वो छह से लेकर आठ तक में आवेदन कर पाएंगे, लेकिन उन्हें जूनियर का सीटेट चाहिए। बीएड के अभ्यर्थी 9 से 10 में आवेदन कर सकते हैं, वहां पर उनको एस्टेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। बीएड के अभ्यर्थी 11 12 में आवेदन कर सकते हैं लेकिन उनको एस्टेट पेपर सेकंड पास होना चाहिए। इस आधार पर मैंने पूरी चीजें एकदम स्पष्ट इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, आपके काम का है, तो लाइक करिएगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी की मदद हो सके। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।